तो ये जो तीन पेशेंट है वो इसलिए डिस्कस हो रहे हैं क्योंकि इनकी प्रॉब्लम स्टिफ प्रॉब्लम है, दैट मीन्स ये जो जॉइंट है इनके, इनको सिंपल फ्रैक्चर हुआ था इस हड्डी का और इस हड्डी का, जिसके बाद और यहाँ पे भी कट लगा था, इनका ऑपरेशन हो चुका था, आज इनको एक साल हो गया है और उसके बाद से इनकी उंगलियाँ यहाँ से बिल्कुल नहीं मुड़ती हैं, ये बिल्कुल जाम हो गई हैं। और जो यहाँ का हेड है यहाँ पर भी इनको दर्द रहता है, वो बाहर पड़ा है, डिसलोकेट पड़ा है, प्लेट निकल गई है, प्लेट लगी थी। और इनसे पूछते हैं कि सर आपको हमसे मिलकर किस चीज़ में ट्रीटमेंट में फ़ायदा होगा या नहीं होगा, और आपको हमसे मिलकर किस चीज़ में खुशी है, क्या अपनी स्टोरी सुना दो जो भी सुनानी है। सर मेरा तकरीबन 3 साल पहले इसमें इसका एक्सीडेंट हुआ था, तो तभी से 5-6 इसके ऑपरेशन भी हो चुके हैं, मगर मुझे क्यों मतलब सर्टिफाइड नहीं हो पाया मैं उनमें, और वो सक्सेस भी नहीं हो पाए। फिर मैं यूट्यूब पे सर्च मारता था, तो उस दिन आपका पता लगा मुझे, मैं फिर काफ़ी यूट्यूब की वीडियो देखता था और मुझे लगा फिर कि कुछ हो सकता है तो डॉक्टर साहब के पास हो सकता है। कहाँ से आया आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। ठीक है, हमने कोई जांच करवाई आप? नहीं, कुछ नहीं, कोई जांच नहीं करवाई? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हमने आपको ऐसा क्या बताया कि आप हमसे ऑपरेशन करने के लिए रेडी हो? लोग पूछना चाहते हैं। जी जी जी, बताते क्या है वो? नहीं 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 नहीं, आपने बताया कि यहाँ का ऑपरेशन ये खोलेंगे, स्टेप हो गए क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, टाइट हो चुके हैं, आप इसका होगा फिर उसके बाद में ये होगा और ठीक हो जाएगा। जी, मेरे को इसके लिए आपने बताया कि इसके लिए मेरे को ऑपरेशन के बाद एक्सरसाइज करनी है। परफेक्ट परफेक्ट, तो आपको अपने ट्रीटमेंट पूरा पता है ना आखिरी तक? जी बिल्कुल। ठीक है, तो यही मेरे लिए सक्सेस है कि पेशेंट को अपना पूरा ट्रीटमेंट पता है आखिरी तक, और ड्यूरिंग ऑपरेशन डिसाइड हो जाएगा कितना मूवमेंट होगा कितना नहीं होगा। सही है ना बेटा? ठीक है, कहाँ से? सर मैं झारखंड से हूँ। झारखंड से जरा अपनी प्रॉब्लम दिखा दे। सर मुझे मैलेट फिंगर में प्रॉब्लम था सर, मुझे साल से? सर मुझे 11 साल से चोट है। सर मैं डिफेंस की तैयारी करता हूँ सर, मैं दौड़ सब कुछ मेरा निकल गया था, जब मैं मेडिकल के लिए गया तो मुझे अनफिट कर दिया गया, और वहाँ से जो पंजाब रेजिमेंट के जो सर थे उन्होंने मुझे कहा कि आप डायरेक्ट डॉक्टर अमित मित्तल से जाके मिलो, वो जयपुर में है। आप मैं सर इससे पहले भी सर मैं 3-4 डॉक्टर से दिखवाया था, हॉस्पिटल भी गया दिखवाया, लेकिन सर कहीं ठीक नहीं हुआ मेरा। तो आपने इतने टाइम से ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा पाए थे 11 साल से? पता ही नहीं था आपको? नहीं सर पता नहीं था, और मुझे लगा ये फिंगर में तो दर्द तो कुछ है नहीं है। मेरा बैंड वुंड सब तो हो रहा है, सिर्फ स्ट्रेट नहीं हो रहा है, मुझे लगा मुझे मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। जब मैं हमने आपकी जैसा केस दिखा दिया ना? यस सर। ये इस पेशेंट सबसे लाजवाब पेशेंट है, क्योंकि इनकी जो उंगली है इनके पास रॉटविलर डॉग है। रॉटविलर डॉग एक ऐसा डॉग होता है जिसको देखते ही आदमी डर के भाग जाता है, उस वो उनके इनके साथ सोता है। रॉटविलर डॉग सबसे खतरनाक डॉग होता है, उसने इसकी उंगली काट ली जो इनका पालतू पेट डॉग है, और ये आज मेरे पास इसको ठीक कराने के लिए आए हैं। आप बताओ सर, आपने मेरे को कैसे ढूंढा? सर यूट्यूब से देखा। उधर बता दो जरा, यूट्यूब से सर ढूंढा। मिलकर आपको हमसे मिलकर किस चीज़ में परेशानी रही और किस चीज़ में खुशी मिली? सर खुशी अच्छा मिली कि आप सलाह बढ़िया देते हैं, राय बढ़िया देते हैं, और काफ़ी समय बातचीत करते हैं, बढ़िया से बताते हैं। मैं अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ, जो पेशेंट समझे और समझने के बाद ही अपना डिसीजन ले, वही मैंने इनको बताया। ठीक है, अब जरा मैंने आपका ऑपरेशन करने क्या करने जा रहा हूँ सर? ऑपरेशन तो पूरी दुनिया करती है, मतलब ऐसी क्या बेस्ट, थोड़ा जो भी हो बेस्ट बन जाए, बेस्ट अच्छा लगे देखने में। ठीक है, तो मैंने आपको ये फिंगर और चारों फिंगर जिसमें उंगलियां स्टिफ हैं, एक फिंगर जिसमें ये है, एक फिंगर जिसमें नाखून नहीं है, तीनों फिंगर दिखा दिए, और तीनों का जब ये ठीक हो जाएंगे तो तीनों के वीडियो बना के भेजूंगा आपको मैं। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराह, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी, उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।